उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिजनौर के किसान महासभा में शामिल होने के लिए पहुंची। प्रियंका गांधी इससे पहले सहारनपुर और रामपुर का भी दौरा कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने आज बिजनौर के किसान महापंचायत में किसानों को एक बार फिर सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। तीनों कानूनों का सिलसिलेवार तरीके से विवरण देने के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि 2017 से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है और वो अब तक मोदी सरकार ने नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूरे देश के गन्ना किसानों की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपया अगर मोदी सरकार दे देती है तो गन्ना किसानों का जो बकाया है वो पूरा हो सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री अपने लिए 2 हवाई जहाज जिसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपये है वो खरीदते हैं, 30,000 करोड़ के नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी देते हैं, लेकिन गन्ना किसानों के 15,000 करोड़ रुपये का बकाया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसी से उनकी नीयत को समझा जा सकता है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया उससे साफ होता है कि किसानों को लेकर उनकी सोच क्या है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने किसानों का अपमान किया है। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का, दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का, कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा दिल्ली में संसद भवन जो है उसके सुंदरीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है, जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है। वो इंडिया गेट को, दिस इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाए के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नीयत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने, जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। प्रियंका गांधी का कहना था कि दिल्ली की सीमा पर पिछले 80 दिनों से जो किसान बैठे हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री उनकी बात सुन सके, प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन महज 2-3 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय नहीं किया कि दिल्ली की सीमा पर जाकर वो किसानों से उनके मन की बात समझ सके। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 2 बार से जिस तरह से देश के लोगों ने मोदी सरकार को सत्ता दी है उससे लगता था कि कहीं ना कहीं लोग
प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा अब कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। एक बार फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर और खासतौर से इन तीनों कृषि के कानूनों के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें पूरी तरह से साथ हैं और आने वाले वक्त में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन करेगा। अजय झा, गो न्यूज़।